सोशल मीडिया पर इंडियन क्रिकेट टीम के स्टार खिलाड़ी विराट कोहली और गौतम गंभीर के बीच हुई नोकझोंक का वीडियो ट्रेंड कर रहा है। लखनऊ के अटल बिहारी वाजपेयी काना क्रिकेट स्टेडियम के अंदर आईपीएल के 43वें मुकाबले में मैच के बाद दोनों एक दूसरे से भिड़ गए थे। इस भिड़ंत के बाद क्रिकेट फैंस दो धड़ों में बट गया है, जहां एक धड़ा विराट कोहली को तो दूसरा गंभीर के तेवरों को गलत बता रहा है। फैंस विराट का सीनियर खिलाड़ियों के प्रति इस रवैये की खूब आलोचना कर रहे हैं। हालांकि इस बीच क्रिकेट जगत में ये भी चर्चा है कि विराट का सीनियर खिलाड़ियों के साथ ऐसा रवैया कोई नया नहीं है। इससे पहले भी वो सौरव गांगुली, अनिल कुंबले, सुनील गावस्कर और अजिंक्य रहाणे से पंगा ले चुके हैं। नमस्ते, मैं शिवम हूं और आप हैं मंच पर। बात साल 2017 की है। विराट कोहली टीम इंडिया के कप्तान थे तो उस समय अनिल कुंबले भारतीय टीम के हेड कोच थे। कहा जाता है कोहली को कुंबले की कार्यशैली पसंद नहीं थी। कुंबले अनुशासन को लेकर काफी सख्त थे, जो कोहली को पसंद नहीं था। इसके बाद दोनों के बीच चल रही तल्खी की कई खबरें मीडिया रिपोर्ट्स में आती रहती थी। आखिर में कुंबले ने एक साल के अंदर कोच पद से इस्तीफा दे दिया था। इसी तरह पिछले साल विराट कोहली टीम इंडिया के पूर्व कप्तान और बीसीसीआई के पूर्व अध्यक्ष सौरव गांगुली से भिड़ गए थे। दोनों के बीच लड़ाई की वजह टीम इंडिया की कैप्टेंसी थी। कोहली ऐसा मानते हैं उन्हें कप्तानी से हटाने में सौरव गांगुली का बड़ा हाथ है। दोनों के बीच इस तकरार का असर इस आईपीएल सीजन में भी देखने को मिला। दिल्ली कैपिटल्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के खिलाफ एक मैच में विराट डगआउट में बैठे सौरव गांगुली को घूरते देखे गए थे। मैच खत्म होने के बाद विराट ने सबसे हाथ मिलाया पर सौरव गांगुली को नजरअंदाज कर दिया था। इसके अलावा क्रिकेट जगत में ये भी चर्चा है कि विराट की जगह रोहित शर्मा ने जब से टीम इंडिया की कैप्टेंसी संभाली है तब से विराट रोहित को पसंद नहीं करते हैं। हालांकि कभी भी दोनों ने खुलकर इस बारे में कुछ नहीं कहा, पर अक्सर दोनों के बीच अनबन और मनमुटाव की खबरें आती रहती हैं। फिलहाल विराट, गंभीर और नवीन उल्हक के बीच हुई इस लड़ाई पर बीसीसीआई ने कड़ा एक्शन लिया है। बीसीसीआई ने तीनों को सख्त हिदायत देते हुए भारी जुर्माना लगाया। बाकी स्टोरी को लेकर आपका क्या कुछ कहना है कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।